मैं यहाँ पर टिप्स तो एक नंबर देता हूँ जो वर्किंग है, दूसरे की तरह ऐसे दूसरे की वीडियो पर कमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कमेंट करके चला जाते हैं कि पहले तेरा व्यूज इंक्रीज कर उसके बाद दूसरे की व्यूज इंक्रीज करने की बात करना, तो इसी जगह पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाले चैनल को देखो, 5K, 3.9K, 2.5K, यहाँ पर अगर न्यूएस्ट वीडियो पर देखोगे तो यहाँ पर 2.9K, 1.5K, मतलब कि दोस्तों अच्छे खासे व्यूज आ रहा है और इस भाई ने इस ट्रिक को फॉलो किया है। और एक चैनल दिखाता हूँ, ये वाले चैनल देखो, यहाँ पर 21 आवर पहले डाला है 1.4K, 2 दिन पहले 3.1K, उसके बाद अगर हम पॉपुलर पे जाते हैं तो 1 लाख प्लस व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे कई सारे चैनल है जो दोस्तों इस ट्रिक को फॉलो करके यहाँ पर अच्छे खासे व्यूज गेन कर रहा है और अच्छे खासे नाम भी बनाता जा रहा है और रेगुलर व्यूज भी अच्छे खासे आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये कौन सा ट्रिक है जो दोस्तों सब लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे फेक चीज मैं बताने नहीं वाला हूँ कि दूसरे के वीडियो पर कमेंट करो जाके, ऐसे फेक वेबसाइट पे चले जाओ, ऐसे करने से समय वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता है। कॉमेंट आप करो, अगर उससे कुछ रिजल्ट आए तो सही है। तो अच्छी तरीके से देखना ये लोग किस तरीके से इतना अच्छा खासा व्यूज गेन कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको चैनल पर आना है और यहाँ पर पेंसिल वाले आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। तो पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको नेम पर आना है और नेम पर पेंसिल वाले आइकॉन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके चैनल का जो नेम है उसे आपको रख देना है। उसके बाद ये जो डॉट है ऊपर वाला डॉट, इसे आपको देना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी व्यूज ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 644K व्यूज लिखा है। उसके बाद और एक ऐसा ऊपर वाला डॉट दिया है, ये टोटली नीचे जो डॉट है वो आपको नहीं देना है, ऊपर वाला डॉट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 आवर्स, इसके हिसाब से आप कोई भी आप समय दे सकते हो, मगर हाँ ज़्यादा समय नहीं देना, यहाँ पर ऐसे घंटे के हिसाब से देना, ठीक है। यहाँ पर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ऐसे 7 घंटे इतना ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक पेज देना है, उसके बाद एगो लिख के डॉट 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 दे देना है। तो ये चीज़ करने से कुछ फ़ायदा भी है या फिर सिर्फ ऐसे आप नाम चेंज कर लोगे और कुछ फ़ायदा भी नहीं रहेगा, मगर दोस्तों ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि इन सभी लोगों को मिला है। पर इन सब ने ऐसे चैनल नाम बना के अच्छे खासे व्यूज और अच्छे खासे सब्सक्राइब गेन कर रहा है। तो ये चीज करने के बाद हो क्या रहा है, जब भी दोस्तों ऐसे आप नाम कर दोगे और किसी के पास रिकमेंडेशन जाएगा, सपोज आपके पास 0 सब्सक्राइब है, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, मगर हाँ वीडियो की रिकमेंडेशन जरूर जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप वीडियो पोस्ट करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जब भी किसी के पास रिकमेंड जाएगा और वहाँ पर जैसे व्यूज शो होता है, वहाँ पर व्यूज ऐसे शो होगा, मतलब कि जो आपके चैनल की नेम है उसके हिसाब से व्यूज शो होगा और समय भी आपके हिसाब से दिखाया जाएगा जो आपने ऊपर कस्टमाइज करके दे रखा है। 90% चांस है कि वो जो बंदा है जरूर से क्लिक करेगा उस पर अच्छे खासे व्यूज देख के। जब आप देखोगे कि अच्छे खासे सब्सक्राइब बेस बन चुका है और दोस्तों इस ट्रिक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अच्छे खासे व्यूज आ रहा है, तो आप नॉर्मली चैनल की नेम चेंज कर देना, यहाँ पर कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो ट्रिक मैंने बताया ये ब्लॉगर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादातर लोगों की जो देख रहा हूँ वो ब्लॉग चैनल इस तरीके से वायरल हो रहा है, मगर हाँ आप अपने चैनल पर ट्राई ज़रूर कर सकते हो। इतना सब कुछ तो फेक चीज़ ट्राई कर रहे हो, मगर ये रियल ट्रिक भी एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस ट्रिक से कुछ ना कुछ आपको व्यूज पे ज़रूर फर्क पड़ेगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय, घर पर रहने से बिना इस तरीके से प्यार और सपोर्ट दिखाता रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर देना। चलिए।